आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सर की है अमर जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 13 अगस्त साल 2018, ये वो तारीख थी जब सुबह से ही तेज बरसात हो रही थी। तो ऐसे में तो बाहर निकलना नहीं हो पा रहा था। मैं घर पर बैठकर मस्ती से अभी फ़ोन चला ही रहा था कि पापा मेरे कमरे में आए और बेड पर बैठते हुए कहा, अमर तुम्हारे दादाजी कल हरिद्वार से वापस लौट रहे हैं, कल दोपहर तक यहाँ पहुँच जाएंगे, तो तुम उन्हें लेने स्टेशन चल जाना। जिस पर मैंने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, जी पापा चला जाऊँगा। अगले दिन सुबह फिर जब मैं सोकर उठा तो वक्त हो रहा था सुबह के 9:45 बजे का। मैंने फटाफट उठकर ब्रश किया और नाश्ता करने के बाद एक नज़र घड़ी पर डाली तो वक्त हो रहा था सुबह के 11 बजे का। चूँकि अभी कुछ देर से बारिश थमी हुई थी तो मैं घर से थोड़ा बाहर निकला और दोस्त के पास जाकर बैठ गया, जिसके बाद बातों बातों में हम इस कदर मसरूफ हो गए कि ना ही हमें वक्त का पता चला और ना ही मुझे ये याद रहा कि मुझे दादाजी को स्टेशन लेने जाना है। इस बातचीत का माहौल तब टूटा जब मेरे मोबाइल की रिंग बजी। मैंने मोबाइल देखा तो पापा का कॉल था। कॉल पर पापा ने कहा, तुम स्टेशन पहुंच गए? जिस पर मैंने कहा, बस पापा पहुंच ही रहा हूँ बस। ये बोलकर मैंने फ़ोन कट कर दिया और वहीं से मैं पैरों को तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए स्टेशन की तरफ चलने लगा। चलते चलते मैंने अपने मोबाइल में चेक किया कि अभी ट्रेन है कहाँ, तो पता चला कि ट्रेन अभी शाहगंज जंक्शन से खुली है। पापा ने मुझे जिस ट्रेन के बारे में बताया था वो थी 03010 दून एक्सप्रेस, जिसका कि जौनपुर आने का वक्त था 2:06 में। मगर हर बार की तरह ही आज भी ट्रेन अपने निर्धारित समय से आधा घंटा लेट चल रही थी। मैं अभी स्टेशन की तरफ चल ही रहा था कि अचानक ही मौसम खराब सा होने लगा। सफ़ेद बादलों की जगह काले बादलों ने आसमान को इस कदर घेर लिया जैसे कि रात हो गई हो। जैसे ही मैं स्टेशन में दाखिल हुआ उसी के साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने फिर एक बार मोबाइल में ट्रेन का लोकेशन चेक किया तो ट्रेन खेतासराई को पार करते हुए जौनपुर की तरफ ही आ रही थी। कुछ देर में ही ट्रेन जौनपुर में लग गई। दादाजी को ट्रेन से उतारने के बाद मैं उन्हें स्टेशन से बाहर की तरफ ले आया। बारिश की रफ्तार काफ़ी तेज थी, मगर नसीब से दादाजी ने अपने साथ एक छाता रखा हुआ था तो हम दोनों उस छाते में एडजस्ट होकर घर की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद ही हम लोग घर पहुंच गए। बारिश अब भी अपनी पूरी रफ्तार से बरस रही थी। कुछ घंटों के बाद ही रात हो गई। वैसे तो मैं भूतिया कहानियां सुनने का बेहद शौकीन था, मगर जब सच्ची आप बीती कहानियां सुनाने वाला खुद मेरे सामने हो तो मैं बिना कहानी सुने कैसे रह सकता था। मेरे बोलने पर दादाजी ने एक कहानी का आगाज किया। कहानी में आगे बढ़ते हुए दादाजी ने बताया कि ये उन दिनों की बात है जब मैं यानी दादाजी ने एक गधे को पाला हुआ था जो कि उनके सामान ढोने में काम आया करता था। एक बार की बात है, वो बरसात की ही एक शाम थी जब मैं काम पर से अपने घर लौट रहा था। बूंदा बांदी बारिश हो रही थी। तेज चल रही तूफानी हवाएं कुछ हद तक बड़े पेड़ों को भी झुका दे रहे थे। बीच बीच में कभी बारिश तेज होती तो कभी एकदम से धीमी। खैर जब मैं चलते हुए घर के दरवाजे पर पहुंचा तो एक नज़र उस तरफ घुमाई जहां मेरा गधा बंधा हुआ रहता था तो पाया कि वहां मेरा गधा है ही नहीं। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी से पूछा, अरे ये हमारा गधा कहां चला गया? जिस पर मेरी पत्नी ने बताया कि हमारा गधा दोपहर से ही गायब है। इस बात ने मेरी परेशानियाँ और बढ़ा दी। मुझे गधे की फिक्र तो हो ही रही थी, मगर साथ ही इस बात से भी घबराहट हो रही थी कि अगर मेरा गधा किसी के खेत में फसल खाता पकड़ा गया तो उसकी पिटाई तो होगी और साथ ही मुझे भी खरी खोटी सुनाएंगे। ये सोचते हुए मैंने घर से एक डंडा उठाया
और साथ ही एक टॉर्च लेकर घर से निकल गया। बारिश अब भी उसी तरह से टिप टाप बरसे जा रही थी। रास्ते पर सिवाय मेरे और बारिश के बूंदों के अलावा तीसरा कोई नज़र नहीं आ रहा था। सबसे पहले चलते हुए मैं खेतों की तरफ गया और वहाँ छानबीन शुरू कर दी, मगर वहाँ दूर दूर तक कहीं मेरा गधा नज़र नहीं आ रहा था। पूरे खेत में अपने गधे को कहीं ना पाकर मैं वहाँ से जंगलों की तरफ थोड़ा आगे बढ़ गया। जंगल में थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा दिखा। जब मैं उसके थोड़ा नज़दीक पहुँचा तो पाया कि वो अब्दुल भाई हैं, जो कि हमारे ही गाँव के हैं। मैंने अब्दुल भाई से पूछते हुए कहा, अरे अब्दुल मियाँ, आपने मेरे गधे को देखा है क्या? जिस पर अब्दुल ने कहा, हाँ देखा तो है, तुम चलो मेरे पीछे। ये बोलते हुए अब्दुल अपनी जगह से उठा और मुझे उसके साथ साथ चलने का इशारा किया। घने जंगलों को पार करते हुए हम लोग अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक ही पेड़ की एक मोटी सी डाली पेड़ से टूटकर अब्दुल के ऊपर गिर गई। मगर उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल वो मोटी सी पेड़ की डाली अब्दुल को लगने के बजाय उसके शरीर के आर पार हो गई। तभी मुझे याद आया कि अब्दुल को मरे तो 3 महीने बीत चुके हैं और वो उसी पेड़ में फांसी लगाकर लटका था जहां वो कुछ देर पहले बैठा हुआ था। ये याद आते ही अब तक मैं ठंडा सा पड़ चुका था, मगर फिर भी बड़ी मुश्किल से हिम्मत बांधकर मैंने खुद को संभाला और वहां से बहुत ही तेज़ी से भागकर घर आया तो पाया कि मेरा गधा अपनी जगह पर सही सलामत चारा खा रहा है। मैंने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया और उसके अगले दिन ही मैंने उस गधे को बेच दिया। तो दोस्तों, ये थी अमर जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।